हेलो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में भारत के सभी राज्य और वहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में जानेंगे और वहाँ पे किस पार्टी की सरकार है इनके बारे में आज हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बिल्कुल यह याद ही हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपको ऊपर में दिख रहा है आंध्र प्रदेश, ठीक है? तो इसका मुख्यमंत्री है आंध्र प्रदेश के, सामने में आपको दिख रहा है जगन मोहन रेड्डी, ठीक है? इसका मुख्यमंत्री है आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी। और यहाँ पे सामने में देखिए, वहाँ पे YSR कांग्रेस की सरकार है, ठीक है? चलिए, उसके बाद नेक्स्ट में है, नेक्स्ट में आप देख रहे हैं यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है पेमा खांडू और यहाँ पे पीपुल्स पार्टी ऑफ की सरकार है। उसके बाद है असम, तो असम यहाँ पे देख रहे हैं असम, तो असम के मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा और यहाँ पे फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं बिहार, तो बिहार में बिहार के मुख्यमंत्री है वर्तमान में नीतीश कुमार और यहाँ पे नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड पार्टी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल और यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की सरकार है। और चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट में है दिल्ली और दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम है अरविंद केजरीवाल और यहाँ पे अभी फिलहाल में आम आदमी पार्टी की ही सरकार है। उसके बाद है नेक्स्ट में गोवा और गोवा के मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत और यहाँ पे बीजेपी की सरकार है। और उसके बाद नेक्स्ट में है गुजरात, गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम है भूपेंद्र रजनीकांत पटेल और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और चलिए उसके बाद नेक्स्ट में देख लेते हैं, नेक्स्ट है हरियाणा और हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और यहाँ पे अभी बीजेपी की सरकार है। उसके बाद नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है जयराम ठाकुर और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं जम्मू कश्मीर, तो यहाँ पे भी राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, फिलहाल यहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे झारखंड है और झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम है हेमंत सोरेन और हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से बिलोंग करते हैं, यानी उसी पार्टी का वहाँ पे अभी वर्तमान में सरकार है। उसके बाद है कर्नाटक, तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री है बसवराज बोम्मई और यहाँ पे अभी भाजपा के सरकार है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं केरल, और केरल के मुख्यमंत्री का नाम है पिनाराई विजयन, यहाँ पे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। उसके बाद है यहाँ पे आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान और यहाँ पे अभी भाजपा के ही सरकार है। उसके बाद है नेक्स्ट में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे और यहाँ पे शिवसेना पार्टी की सरकार है। उसके बाद देख लेते हैं मणिपुर, और मणिपुर का है, मणिपुर का मुख्यमंत्री का नाम है एन बीरेन सिंह और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ पे मेघालय है, उसके बाद मेघालय के मुख्यमंत्री का नाम है कोनराड संगमा और नेशनल पीपुल्स पार्टी के यहाँ पे सरकार है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं मिजोरम, मिजोरम का मुख्यमंत्री का नाम है जो राम थंगा और यहाँ पे पार्टी की बात करें तो यहाँ पे मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी की सरकार है। उसके बाद है नागालैंड, नागालैंड का मुख्यमंत्री का नाम है नेफ्यू रियो और यहाँ पे नेशनल डेमोक्रेटिक पीपुल्स पार्टी की सरकार है। यहाँ पे देखिए, उसके बाद है उड़ीसा, उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और यहाँ पे पार्टी की बात करें तो बीजू जनता दल पार्टी की सरकार है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देख लें पुडुचेरी, यहाँ का मुख्यमंत्री का नाम है एन रंगासामी, NR कांग्रेस पार्टी की सरकार है। और यहाँ पे चलिए देख लेते हैं पंजाब, तो पंजाब में अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी चुनाव जीती है और यहाँ पे वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं भगवंत मान, भगवंत मान और यहाँ पे अभी आप यानी आम आदमी पार्टी की सरकार है। उसके बाद है यहाँ पे राजस्थान, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत तो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की सरकार है। उसके बाद है नेक्स्ट में सिक्किम, सिक्किम के मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमांग और यहाँ पे सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा की सरकार है। उसके बाद है तमिलनाडु, तमिलनाडु में MK स्टालिन मुख्यमंत्री है वहाँ के, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम पार्टी की यहाँ पे सरकार है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं तेलंगाना, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव और यहाँ पे तेलंगाना राष्ट्रीय समिति TRS की सरकार है। उसके बाद है त्रिपुरा, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री है बिप्लव देव भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पे अभी वर्तमान में सरकार है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं उत्तराखंड, उत्तराखंड में अभी पुष्कर सिंह धामी अभी हाल ही में मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं
और यहाँ पे अभी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। उसके बाद नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पे वो योगी आदित्यनाथ जी अभी हाल ही में चुनाव जीतने के बाद दोबारा सीएम पद की शपथ लिए हैं उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पे अभी बीजेपी की सरकार है। चलिए उसके बाद सबसे लास्ट में पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल के आप लोग जानते ही होंगे कि ममता बनर्जी की सरकार है लगातार तीसरी बार, और यहाँ पे अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की सरकार है।